नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए महाराष्ट्र की 20 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरी पर पबजी खेल रहे दो शख्स की हुई मौत। कल्याण के बीएसयूपी घोटाले की जांच अब सीबीआई के पास। मराठा आरक्षण को सरकार ने सही ठहराया। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान चौकीदार में शामिल हुए सीएम फडणवीस। कोरेगांव भीमा मामले में पुलिस ने कहा, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे थे दलितों को लामबंद। प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, 30 मार्च तक जमा करना होगा टीईटी सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र में मानवाधिकार आयोग 4 महीने में पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। परिकर के निधन पर आईआईटी मुंबई करेगा शोक सभा का आयोजन। परिकर के निधन पर बॉलीवुड ने जताया शोक। वीएसएफआई का चुनाव लड़ेंगे आडवाणी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी कलह में बीजेपी शिवसेना पर भारी। भिवंडी में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही। अगस्त क्रांति मैदान के पास वाटर चैम्बर की सफाई करने उतरे मजदूर की मौत, 4 अस्पताल में। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राव साहेब दानवे की जलना संसदीय सीट पर चल रहा शिवसेना भाजपा का संघर्ष रविवार को समाप्त। मुंबई में महिला से ऑनलाइन दोस्ती कर 74 लाख ठगने वाले नाइजीरियाई दंपति समेत 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में एमएनएस ने किया लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान। महाराष्ट्र में इस बार 1.19 करोड़ मतदाता करेंगे पहली बार मानवाधिकार का उपयोग। पुणे में छेड़खानी से रोका तो युवती को बुरी तरह पीटा, आरोपी गिरफ्तार। रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम पर ठगी करने वाला क्लासमेट गिरफ्तार। मुंबई से वाराणसी एयरपोर्ट आ रहे भदोही के बुजुर्ग विमान यात्री की विमान में ही मौत। महाराष्ट्र के 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।